रघुवंश बापू एकदम आपको आगे देखे। और आज से तो फायदे के लिए राजनीति कुर्सी के लिए पद के लिए ना कोई विचारधारा रखता है ना कोई नीति रखता है ना कोई सिद्धांत रखता है। जो लोग समझौता करते हैं अपने विचारधारा से नीति से सिद्धांत से उसको भविष्य में याद नहीं किया जाता उन्हीं को याद किया जाता है। बहुत बढ़िया तो ये अपना पन ये प्यार अंतिम दौर में भगवान जी ने चिट्ठी लिखा लालू जी ने चिट्ठी लिखा ये आजकल कहां दिखने को मिल रहा है। ये प्यार एक दूसरे के प्रति आजकल जी लालू जी को बहुत दुख था बहुत पीड़ा आपके घर आई थी उस समय तो तबीयत भी खराब था अस्पताल में थे जेल में वो भी अंतिम दर्शन के लिए नहीं आते लेकिन जब भी लालू जी संकट में रहे रघुवंश बापू एकदम आपको आगे देखे। और आज से तो फायदे के लिए राजनीति कुर्सी के लिए पद के लिए ना कोई विचारधारा रखता है ना कोई नीति रखता है ना कोई सिद्धांत रखता है फायदे के कोई भी कहीं मिला लेकिन भगवान बाबू वैसे व्यक्ति जो अपना हित चाहते हैं भगवान बाबू सिद्धांति दे रहा है प्रिंसिपल विचारधारा से समझौता नहीं किया उसने चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने विचारधारा नीति सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ये सब को सीखने वाली जरूरत और एक एक व्यक्ति को ये समझने की जरूरत है कि जो लोग समझौता करते हैं अपने विचारधारा से नीति से सिद्धांत से उसको भविष्य में याद नहीं किया जाता उन्हीं को याद किया जाता है। तो हम ज्यादा कुछ नाम कहते पार्टी की तरफ से नेता की तरफ से भगवान बाबू जी को श्रद्धांजलि देते उनको याद करते हैं और उनका जो संघर्ष रहा या जो बाकी अधूरा काम है हमेशा किसानों की चिंता करना नौजवानों की चिंता करना शिक्षा चिकित्सा विकास को लेकर के इस काम को हम लोग विपक्ष में है लेकिन मजबूत विपक्ष इतना जरूर कहेंगे कि रघुवंश बाबू के कामों को हम लोग आगे जरूर बढ़ाएंगे और अंतिम निर्णय पर पहुंचाएंगे।